हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे रियलमी C35 वाटर डैमेज फ़ोन। दोस्तों, फ़ोन ये पानी में गिरने से इस फ़ोन की डिस्प्ले कैम्बो ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसकी सिम ट्रे निकालेंगे। दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसका जो बैक का ग्लास है इसको हम निकालेंगे आसानी से। इसके बाद हम दिखाएंगे कैम्बो रिप्लेस कैसे करते हैं रियलमी C35 में। कॉम्बो रिप्लेस, दोस्तों इसका बैक पैनल हमने निकाल दिया है और इसमें कई स्क्रू लगे हुए हैं, सारे स्क्रू निकाल लेने हैं। इसके बाद हम कैम्बो रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, इसके सारे स्क्रू ओपन कर देने हैं, ये जितने लगे हैं। और इसके बाद ये जो कैमरे का ग्लास, ये शीशा, इसको भी निकाल देंगे आसानी से। इसके नीचे भी स्क्रू लगे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रू इसके निकाल देने हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, रियलमी C35 में कैम्बो रिप्लेस करके दिखाएंगे। दोस्तों, रियलमी 35 में कॉम्बो रिप्लेस कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जो इसकी नीडल है इसको निकाल देंगे बाहर। दोस्तों, हीट करके निकालें या फिर ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। रियलमी 35, दोस्तों इसकी मिडिल निकाल दी हमने। और ये जो आप देखेंगे फिंगर, इसको बहुत आसानी से निकालना है क्योंकि सबसे पहले फिंगर ही ख़राब हो जाता है। दोस्तों, इस फिंगर को निकाल देना है। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और इस बैटरी को भी निकालना है। दोस्तों, बैटरी का पंच हटा दें क्योंकि बैटरी का पंच ख़राब हो सकता है। खींच के निकालना है इसको। दोस्तों, हमने इसकी बैटरी निकाल दी है। ये कैम्बो टूटा नहीं है लेकिन पानी में गिरने से इसका कैम्बो ख़राब हो चुका है। कैम्बो पे लाइनें आ चुकी हैं। दोस्तों, इस कैम्बो को हम निकाल देंगे। दोस्तों, इसको हीट करके भी निकाल सकते हैं। अब ये ख़राब है कैम्बो, इस वजह से हम इस तरीके से निकाल दे रहे हैं। दोस्तों, इसका कैम्बो आप देखेंगे यहाँ पानी से कितने इसमें निशान दिख रहे होंगे आपको, ये सारा पानी लगा हुआ है अभी भी। ये सब पानी में गिरने से ख़राब हुआ है। दोस्तों, और ये रहा हमारा नया कैम्बो। पहले इसको हम चेक कर लेंगे, इसके बाद हम गम लगा करके अच्छी तरीके से चिपकाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें कैम्बो को चेक करना कर लेना है। दोस्तों, इसका पंच हमने लगा दिया है। एक बार हम बैटरी लगा करके चेक कर लेते हैं, पावर ऑन करके चेक कर लेंगे हमारा फ़ोन चालू है नहीं। रियलमी 35 में कॉम्बो रिप्लेस कैसे करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। रियलमी 35 कॉम्बो रिप्लेस कैसे करते हैं। दोस्तों, ये हमारा कैम्बो सही से काम कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले कैम्बो चेक कर लें। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कैम्बो लगाने से पहले कैम्बो चेक कर लेना है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। दोस्तों, ये फोल्डर सही से काम कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया रियलमी 35 में कैम्बो कैसे लगाते हैं। दोस्तों, फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। दोस्तों, इसका बैटरी का पंच निकाल देंगे। इसके बाद ये हम कैम्बो निकाल करके इसको सही से साफ़ करने के बाद इसमें पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगा करके इसको हम अच्छे तरीके से चिपका के दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, हमने इसमें गम लगा दिया, ये रहा हमारा नया कैम्बो। दोस्तों, इस कैम्बो को लगाएंगे और इसके चारों साइडों में अच्छे तरीके से हमें गेटस लगा देनी है क्योंकि ये ना रुकने पाए। दोस्तों, एक अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, रियलमी
C35 में कैम्बो कैसे लगाते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। ये रही हमारी बैटरी, इसको एक बार लगा देंगे और एक बार हम जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से इसको कसना है दोस्तों। फिंगर का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, फिंगर का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम इसमें जो स्क्रू लगे थे सारे स्क्रू लगा देंगे। इसके सारे स्क्रू हमने कंप्लीट कर दिए हैं और ये इसका शीशा कैमरे का लगा देंगे अच्छे तरीके से। और ये इसका बैक पैनल, इसको अच्छे तरीके से लगाना है और इसको अच्छे तरीके से रबड़ से टाइट कर देना है क्योंकि एयर ना रुकने पाए। दोस्तों आज के वीडियो में रियलमी C35 में कैम्बो कैसे लगाते हैं। नमस्कार।